हेलो किड्स, टेक आउट योर वर्ल्ड अराउंड मी वर्कशीट बुक एंड ओपन पेज नंबर 3535। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिफी लिफी ग्रीन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन है, वर्कशीट है, कलर द ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स ओनली। ओके, आपको कौन सा वेजिटेबल्स को कलर करना है जो ग्रीन और लिफी हो। ओके तो बच्चों, ये मेरे हाथ में ग्रीन कलर है। ओके, ग्रीन यानी कि हरा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी वेजिटेबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से आपको सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को कलर करना है। ओके तो बच्चों, आपको यहाँ पर बहुत सारे वेजिटेबल्स दिखाई दे रहे हैं, उनके आउटलाइन से सिर्फ, ओके, उनका कलर नहीं दिया है। तो बच्चों, ये सबसे पहले है, ये है फेनुग्रीक। ओके, फेनुग्रीक यानी मेथी। उसके बाद है रेडिश यानी मूड़ा। उसके बाद बॉटल गार्ड, कैबेज यानी गोभी, स्पिनेच यानी शेपू पालक। उसके बाद ब्रिंजल यानी बैंगन, ओनियन यानी कांदा। उसके बाद कैप्सिकम यानी शिमला। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने वर्ल्ड अराउंड मी पिक्चर बुक में वेजिटेबल्स सिखाए थे। ओके, याद आया आपको? यहाँ पर हमने गार्ड्स पढ़े थे, उसके साथ में ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स। ओके, ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स में कौन कौन से वेजिटेबल्स आते थे? स्पिनेच, कैबेज, फेनुग्रीक। ओके, तो ये तीनों लीफी वेजिटेबल्स है। तो हमें वर्ल्ड अराउंड मी वर्कशीट बुक में भी उसकी एक्टिविटी दी गई है। ओके, तो आप हमें ये एक्टिविटी सॉल्व करनी है। तो स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, कलर द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ओनली। ओके, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उनको आपको कलर करना है। सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे कि लीफी वेजिटेबल्स कौन कौन से है इसमें। सबसे पहले फेनुग्रीक यानी मेथी, ये लीफी वेजिटेबल है। यस, इसमें बहुत सारे लीव्स होते हैं, बहुत सारे लीव्स होते हैं, तो ये हो गई लीफी वेजिटेबल। ओके, तो हम इसे टिक कर देंगे, इसे कलर करना है हमें। नेक्स्ट लीफी वेजिटेबल्स रेडिश है, तो नहीं, ये भी नहीं। कैबेज लीफी वेजिटेबल है, यस, उसको भी बहुत सारे लीव्स होते हैं, बहुत सारे पत्ते होते कि नहीं, तो ये हो गया लीफी, हम इसे भी कलर करेंगे। नेक्स्ट स्पिनेच यानी पालक, यस, इसे भी बहुत सारे लीव्स है, लीफी है, वेजिटेबल ही है, तो हम इसे भी कलर करने वाले। ओके, नेक्स्ट है ब्रिंजल, इसे लीफ है, तो नहीं। ओनियन को लीव्स है, नो। कैप्सिकम को पत्ते है, लीव्स है, नहीं। तो बच्चों, इन सभी वेजिटेबल्स में सिर्फ 1, 2, 3 ये तीनों ही वेजिटेबल्स को, मतलब फेनुग्रीक, कैबेज और स्पिनेच, इनको ही बहुत सारे लीव्स है, बहुत सारे पत्ते हैं, इसलिए हम उसे कहेंगे लीफी वेजिटेबल्स, और इन तीनों वेजिटेबल्स को हमें कलर करना है। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में? तो आपके हिसाब से आपको कलर करना है। ओके, इनको बहुत सारे लीव्स है, लीफी वेजिटेबल्स है, तो ऑब्वियसली आपको कलर कौन सा देना होगा? ग्रीन। ओके स्टूडेंट्स, फेनुग्रीक होने के बाद दूसरा लीफी वेजिटेबल है कैबेज, CABAGE कैबेज। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह आपको कैबेज को भी कलर करना है। ये होने के बाद स्पिनेच यानी पालक। ओके, तो इसे भी आपको ठीक से कलर देना है लीव्स को, ताकि वो लीफी वेजिटेबल दिख सके। ओके स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है हमेशा लीफी वेजिटेबल्स कौन कौन से होते हैं। लीफी वेजिटेबल्स होते हैं फेनुग्रीक, कैबेज एंड स्पिनेच। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने तीनों लीफी वेजिटेबल्स को कलर कर लिया है और आपको ये याद रखना है। ओके, अगर मैंने आपको ओरल में पूछा विच आर लीफी वेजिटेबल्स, तो आपको बोलते आना चाहिए फेनुग्रीक, कैबेज एंड स्पिनेच। थैंक यू।